विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। भारत भारत एक ऐसा देश जहाँ यह कहा जाए कि गांव आज तक जो है अपने दयनीय हालातन में रो रहे हैं। सरकार जरूर दावा करती है कि हम व्यवस्था दुरुस्त कह रहे हैं, किंतु ग्राम पंचायत इनकी स्थिति बेहतर नहीं है। किंतु वहीं थे सीधी के एक ग्राम पंचायत पूरे भारत में जो है अपन नाम रोशन करी सी, वह एक जो पुरस्कार के माध्यम से पंडित दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है सीधी के ग्राम पंचायत का मिला है। और सीधी के वह ग्राम पंचायत में हम खड़े हैं जहां वह पूरा स्टाफ खड़ा है जो देख ही लागे अपना ग्राम पंचायत पनमार चौहान टोला, जहां उनके मन में लगन और उनके तपस्या से आज गांव के नाम पूरे देश में रोशन हो रहा है। कहा थे ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो वह आए कि एक चाह हो चाहिए और आज हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं। वह दौर में अब युवा जो है कहो न कहो अपने पंचेतन के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वह युवा कहो न कहो कर्मठ है अपने पंचायत का उन्नयन करेगा ओका व्यवस्थित करेगा। तो हमारे साथ यहाँ के जो है सरपंच है पनमार चौहान टोला के, पहले तो अपना का बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। कनिष्क भैया अपनों को बधाई हो और अपना बच्चे जोन या सब पत्रकार भाइन के खातिर हमका सहयोगों मिला और यही से हम नेशनल अवार्ड आज प्राप्त करें हैं। नेशनल अवार्ड प्राप्त करे के हमारा उद्देश्य यह रहा कि जब हम सरपंच बने 2018 में तो हमका लगा कि बेटी बिटियन के उपेक्षा होती समाज में, अगर बिटियन के प्रति कुछ कीन जाए, बिटियन के जब हालात देखत रहें तो मन का झकझोर देता रहा। तो एक ठे हमार ग्राम पंचायत योजना चलाई, वो योजना के नाम है बेटी गौरव योजना, कि कौनों बिटियन के यदि जन्म होते उनके जन्म पर हम बरहों संस्कार मनवाई थे, हमारे ग्राम पंचायत पूरी टीम जाती और जो वेतन हमका मिलत थी वो बिटिए का हम दान दे दी थे चेक के माध्यम से, और 5 पौधा लगवाई थे। हमारा उद्देश्य है कि हम 5-4 बिंदुओं पर काम करे चाहे थे, बेटी पानी पेड़ और गोचर भूमि, एम पूरी प्रकृति समाहित है, यही में पूरा गांव के विकास हो सकत है। भारत गांव में बसत है, अगर गामन के विकास हो जाए तो भारत के अपने आप विकास हो जाए। और 1100 पौधा हम लगवाएं कन्या उपवन के नाम से, वह आज पौधा हमारे पूरा उत्तर जीविता 100% रहा और ओखा कन्या उपवन के नाम से विकसित करे के रहा। अगस्त के महीना रहा और वही समय अटल जी की मृत्यु हो गई, तो हमका लगा कि काहे न एकर नाम हम अटल स्मृत कन्या उपवन रख दे और अटल स्मृत कन्या उपवन रख दें और हम फलदार पौधा लगाएं और वह फलदार पौधा अच्छा विकसित हो रहा है। अगर कोनो बिटिया के जन्म होते केहू के पास जमीन नहीं है तो उपवन में लगा सकत है। और कई योजना के जितनी सरकार की योजना है अंतिम व्यक्ति तक हम मेहनत करके पहुँचवाएं हैं, ऐसा कौनो नहीं है कि जी पात्र होए और वह चीज़ का न पावत हुए। हमारे यहाँ चाहे आवास में हो, चाहे शौचालय में हो, चाहे पेयजल में हो, सब में हमारे यहाँ के अच्छे से काम भी हैं। और मछली पालन के काम करवाने खेत तालाब में दे के लोगन का कुछ, और डेयरी के काम करवाएं हैं स्व सहायता के माध्यम से, किराना की दुकान, कपड़ा की दुकान और ढेर सारी उनका सुविधा प्रदान करें हैं। और योजना जितनी होती है शासन के हर व्यक्ति तक पहुँचाएं हैं और यह उद्देश्य है कि अपना पचन के सबके आशीर्वाद मिलते रहे तो आगे वो काम करता रहा। निश्चित तौर पर एक गांव के विकास जो है एक बड़ी चुनौती होती, कहे कि वह चुनौती सिर्फ गांव के विकास नहीं हो, वह अंतिम व्यक्ति तक वह सब सुविधा जो शासन जो है प्रशासन लेके आवत है या योजना बनावत है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाओ बहुत आवश्यक हो जाता है, तब जाए कि कहो न कहो गांव के सर्वांगीण विकास माना जा सकता है। और यह पूरे दौर में सरपंच साहब के साथ कहे कि एक पूरा मैदानी अमला होता है, पूरी टीम होती, यहाँ कितने स्टाफ के हैं अपने के यहाँ और कितने लोग हैं और वर्तमान में उनका कार्य विभाजन कहे हैं अपना या हमारे यहाँ तो EGRS खड़े न यहाँ सचिव हम और ये चौकीदार हैं चपरासी जो कि ऑपरेटरों के काम करा था, स्वच्छता ग्राही हम विक्रम थे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं 4 और 3 स्कूल हैं जो में दो स्टाफ हैं, 6 शिक्षक हैं, पटवारी ग्राम सेवक, ये पूरा टीम मिलके सब इंजीनियर सब पूरा टीम मिलके और अच्छे से काम करती।
और नहीं सबके बल से हम कुछ करें हैं, हम कुछ नहीं करें है, अकेला सरपंच कुछ नहीं होता है, पूरी ग्राम सभा मालिक होती है, पूरा ग्राम सभा गांव के लोग मिलके सब करें हैं, और ये कर्मचारी काफ़ी मेहनत करें हैं और इन्हीं के बल से और एम तो मार्गदर्शन रहा कलेक्टर साहब के और जिला सीओ के, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में जिला सीओ के मार्गदर्शन में यह अवार्ड नेशनल अवार्ड में आज ग्राम पंचायत के प्राप्त हुआ है। हम जितना से जाने लायक बहन हम जितनी उम्र हो गई तो आज तक हम नेशनल अवार्ड कहाँ नहीं सुनल कि हमारे एरिया मिले पर होएगा सबके सहयोग से सबके आशीर्वाद से, और यदि प्राप्त भा तो यह सब खातिन अवार्ड प्राप्त भा, पूरे जिला खातिन भा, पूरे जिला के गौरव है, संभाग के गौरव है, प्रदेश के गौरव है, और कौन व्यक्तिगत हमारा गौरव नहीं है, हमार व्यक्तिगत तो एक हम कार्यकर्ता हैं लगन के रूप में काम करें, रोजगार सहायक हमारे मेहनत अच्छा करें, पूरी टीम के स्वच्छता ग्राही ये सब मिलके जितने कर्मचारी हैं अच्छी मेहनत करें, ग्रामवासियों के सहयोग रहा, यहीं से यह अवार्ड नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि अकेला चना जो है भार नहीं फोड़ सकता है, तो ऐसे कहा थे कि इकट्ठा जो ताकत मिली थी वह ताकत जो है दिखाव शुरू हो जाती। ग्राम पंचायत बहुत है, सीधी में 400 के आसपास जो है लगभग ग्राम पंचायत है, किंतु स्थिति यह है कि ग्राम पंचायतन में हमेशा सवाल खड़े होते, सवाल या निशान लगा थे कि जो जन प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि का चुना जाता है वह प्रतिनिधि पहले कुछ होते हैं बाद में कुछ हो जाते हैं, किंतु कहो ना कहो जब जज्बा सही होता है मन में विश्वास होते है उस क्षेत्र के प्रति प्यार होते है तब यह में हालात देखे को मिले थे, और तब बना थी पनमार चौहानन टोला जैसा ग्राम पंचायत जहाँ एक कुशल नेतृत्व के साथ पूरा सरकारी अमला एक साथ हो जाता है और एक बेहतर जो है कहो न कहो गाँव का सुविधा युक्त गाँव बनावे के प्रयास करते हैं। हमारे साथ कुछ ऐंठ के ग्रामीण हैं, कहा है कि उन्हों से कुछ राय मशवरा लीन जाए, और तो का नाम है दाई? हमार झोखिया नाम है। तो यहाँ वृद्धा पेंशन वगैरह पहुँचे है? हाँ पाई थे बहन है। कितना पाई थे? 6 साल। हर महीना मिल जाती? हाँ। सुविधा मिला थी? हाँ सब सुविधा करी। हाँ और लोग हैं जिनसे हम जाने के प्रयास करी थे, छोटे छोटे बच्चा हैं, इनका आंगनवाड़ी वगैरह में भेजी थे? हाँ। खाए का मिला था वहाँ? बढ़िया मिला था। तो ये देखिए यह साथ में जो है कुछ गांव के महिलाएं ही, और मतलब यह है कि कोरोना के वक्त चल रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी के तो वह दौर में कहो न कहो सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ वो आवश्यक है, किंतु कहो न कहो गाँव में हर्षोल्लास के माहौल है कि 409 पंचायतन में इकलौती ऐसी पंचायत है सीधी के जहां या जो है पुरस्कार मिला है, वह राष्ट्रीय पुरस्कार जो बेहद गर्व के विषय है पूरे विंध्य में, यह एक बेहद गौरवान्वित करने वाली बात है कि पूरे रीवा संभाग में इकलौती ऐसी ग्राम पंचायत है जिनका पुरस्कृत किया गया है। हमारे साथ यहाँ के रोजगार सहायक है अरुण सिंह जी, उनसे हम पूछी थे कि का कैसा मतलब यह कब से है यह ग्राम पंचायत में अपना, और का कैसा एमा मतलब सरपंच साहब के योगदान अपना करें? हम यहाँ 7 साल से हैं, जब से हमार पदस्थापना भे तो यही ग्राम पंचायत से शुरू है, और जब से अपना सरपंच बने सरपंच साहब के हुआ भा तब से ये ग्राम पंचायत में मतलब अजीब से विकास बहुत तेजी से विकास भा, जैसे अपना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेना है सब पंचायत के अपना सरपंच साहब के माध्यम से भा है। दूसर चीज़ कि हर व्यक्ति का है कि आधार कार्ड समग्र आईडी जितनी भर चीज़ हैं सब जा रहे हैं सीधी परेशान रह रहे दिन सबके काम अब पूरा ग्राम पंचायत से होते हैं। ग्राम पंचायत मामा यहाँ अपन काम बतामा बस उनका कहाँ भटके की जरूरत नहीं है, भटका के जहाँ जाए कोई तो हम जाब या हमारा सचिव जे ही या हमारे कर्मचारी जे ही जे यहाँ ना सिर्फ जनता के काम का है कि पंचायत भवन तक आप अपन काम बतावा उनका जो चाहिए यहाँ निःशुल्क फोटो कापी निःशुल्क प्रिंट आउट हर चीज़ यहाँ अपने कार्यालय में पूरा अपना देखवे भन अंदर सब मशीनरी वगैरह सब रखी हैं, और समय समय पर जो हम आप चंग के प्रधानमंत्री महोदय के मुख्यमंत्री महोदय के जो उन भाषण या जो उन चीज़ों का होते हैं हम जो टीवी के माध्यम से निरंतर प्रचार प्रसार करते रहे थे उनका योजना के बराबर बतावत रहे थे, इससे यहाँ अनभिज्ञता नहीं है लोगों का कि कौन चीज़ से क्यों अनजान है सब कुछ जानना है, जैसे कि बराबर जब पंचायत आ रहे हैं और डेली कार्यालय सुबह 10:30 खुल जाते हैं आवत हाँ अपन केहू कोनो काम भत करीन नहीं तो बैठिन टीवी दिखिन समाचार सुनिन जेखा जौन अपन अच्छा लाग सब काम करीन, खेल मैदान है लड़का खेलिन एंठे स्कूल है
मतलब कुल मिला के पूरी तरह से पारदर्शिता से अपन पंचायत के कार्यक्रम चलत रहा था। निश्चित तौर पर यह वह दौर है जैसा वे अपना से बतौबे बहन की कोरोना वैश्विक महामारी के यह दौर में जब हर को चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे आम आदमी हो चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो हर व्यक्ति खौफ ज़्यादा रहा कि यह वैश्विक महामारी में हमा जान कैसा बची। किंतु वह दौर में जो है ग्राम पंचायत एक बेहद असरदार रही कहे कि उनके द्वारा जो है लिस्टिंग कीन गए कि उनके गांव के कितने लोग बाहर रह रहे वह दौर में सबके सूची दे उनके खाता में एक 1,000 मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यह घोषणा कीन गए कि उनके खाता में डाला जी तो एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम रहा। वह सब कामन में ग्राम पंचायतन के अच्छा खासा कहो न कहो योगदान रहा। जोने के चलते हम सरपंच साहब से पूछब कि यह वैश्विक महामारी में का कुछ गतिविधि रही अपना के या ग्राम पंचायत। हमारे सबसे पहले यह रही कि हम अपन पूरे ग्राम पंचायत लॉकडाउन के दे रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत के ना तो कहाँ जाइए और ना हम अपने ग्राम पंचायत में केहू को आवाज देव और धोखा भी धोखा ना कह के वो चले जाएं बिना हमें अनुमति से नहीं जाते रहे हमारे गांव के लोग कहाँ जाते रहे सीधी बाजार भर तो बता के चले जाते रहे या कंट्रोल रूम में घोषित हो चुकी रही ग्राम पंचायत यहाँ सब एंट्री होता रहा पंजी खुली रही दर्ज होता रहा जी जहिया आवत रहा ओखा दर्ज करावत रहन ओखा होम क्वारंटाइन करावत रहन ओखा जिनका खाए के व्यवस्था नहीं रही उनका खाए की व्यवस्था करत रहें गल्ला दिवावत रहन और गल्ला माँ के बहनों मतलब सबसे आगे ग्राम पंचायत रही अपन बाँटे में और व्यवस्था में कोनो कमी नहीं भय उनका मास्क सैनिटाइज जितना आए तो उनका उपलब्ध उनका मतलब समझाइश देते रहन उनका प्रचार प्रसार के माध्यम से लाउड स्पीकर के माध्यम से और घर घर मतलब घूम घूम के सबका समझाइशों देते रहन कि बीमारी से बचे के है अगर कोनो दवा नहीं आए एक संयम एठी ऐसा है कि दवा है अब जब हम बचे संयम ना करब तो कोनो दवाई हम आप चिंके ना हुई ऐसे दूरी बनाओ हम जरूरी है एक दूसरे के मास्क पहनब जरूरी है यह सब चीज़ के समझाइश देते रहन और अब यही बीच में नेशनल अवार्ड मिले के रहा 24 अप्रैल का तो वह टरिया आवा भरे में जाए के भारत सरकार से यह लिस्ट पास हो के आए गए और यह बहुत गौरव की बात है कि हमारे सीधी के नाम रोशन हुआ हमारे ग्राम पंचायत के नाम रोशन हुआ ग्राम वासिन के नाम रोशन हुआ पूरे सीधी के बल्कि संभाग के नाम रोशन हुआ कि यह कुछ काम यह में कीन जाए और हम तो कही थे कि यह में हर ग्राम पंचायत करा तो वास्तव में सोने की चिड़िया भारत देश बन सकत है और एक गरीब आदमी का और गरीब तबका के आदमी का क्या जरूरत थी हर योजना की जरूरत थी यदि उनका रोजगार उपलब्ध कराए दिन जाए बीपीएल भर बहुत जरूरी नहीं है उनका रोजगार उपलब्ध हो जाता है वह काम हम करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिवावे के काम करें तो क्षेत्र में अपने जहाँ चली ला है वह देखी ला है वहाँ समूहन के माध्यम से महिलान का तो केहू को सिलाई के मशीन रखवा के केहू का किराना की दुकान करवा के केहू को कुछ करवा के तो हमसे रोजगार प्राप्त कर ला कुछ मछली पालन कुछ डेयरी पालन यह सब चीज़ करवाई लाए और प्रयास है कलेक्टर साहब अपने ग्राम पंचायत का गोदौ ले हैं मॉडल बनावे खातिर अच्छा प्रयास है प्रशासन के हर मदद पर हमारे गाँव वाले का कहाँ जाए की जरूरत नहीं पड़ती है सब अधिकारी यहाँ खुद आवत इनका बताए हैं कि केहू का कौन आवश्यकता है यहाँ आवा अधिकारी यहाँ दौड़ते ही जब सबके कष्ठा रहा सब पूरे ग्राम सभा हमारे कष्ठा रही तो पूरा अधिकारी यहाँ आए ही और सगली योजना यहीं दे के चले जाइं और मंत्री मिनिस्टर तक कहीं और हमारे चेयर में बैठ के यहीं सब कुछ कह दी तो ग्रामवासियों के काम वैसा सब हम करवा रहे हैं हम यहीं से अपने यहाँ जब देखें हम खुद जाते रहें ग्राम पंचायत अपने ग्राम पंचायत में कब ऐसा रहा समय दौड़ रही कि हम जाते रहें तो हमका बूरी तक बैठक नहीं मिलत रही जहिया हम बने ने तहिया यहाँ पूरी व्यवस्था हम सबसे पहले यहाँ की व्यवस्था करें अच्छी अच्छी कुर्सी सबको बैठे का पब्लिक हमारे भूइयम नहीं बैठ सके अब वो तो अपने मन से बैठ लें कि कहाँ जबरदस्ती उनका अलग बात है लेकिन सबको कुर्सी लगी रहती कि कुर्सी में बैठा और अपने खातिर ने सबको बैठे खातिर व्यवस्था पूरी ग्राम पंचायत की व्यवस्था अपने यहाँ स्पीकर की व्यवस्था बिजली की व्यवस्था पूरी व्यवस्था यहाँ बना देने सब कायों की कमी नहीं आए एक फोटो कापी करावे जा पड़ता रहा तो मोटरसाइकिल लेते रहें और लोग जाते रहें तो 100 रुपये पेट्रोल समय बर्बाद करा दिन भर तो इतना दिक्कत होती रही वह चीज़ आज फ्री कैंटेन कर सब टोटल काम होते और घोंस नाम की चीज़ ग्राम पंचायत में नहीं आए यदि घोंस नाम की चीज़ में हम पाए जी के होगा तो हम बकस नहीं सकीता है चाहे सरपंची हमारा है चाहे चली जाए
जनता खातिर इतना हम रखी थे और गाँव समाज कर्मचारी नहीं लेते हैं, उम्मीद रखा था कि हम एक रुपया केहू से न दे। हम कही थे कि एक रुपया इनसे केहू से नहीं लेकर आए, हमका तो होगा तो खुद भगवान दे है, इनका तो नहीं दे आए, इनके खातिर करे का है कुछ, बस हमारी है काम। निश्चित तौर पर सेवा भाव खूब जरूरी है, सेवा भाव के साथ कहो न कहो वह संकल्पों लेके आवश्यकता है। जब कहो न कहो आज के दौर में ग्राम पंचायतन में आरोप लागत है कि गिट्टी ले लेन, गिट्टी ज़्यादा डाल दिन, सीमेंट नहीं डारे आहीं, बारू नहीं डारे आहीं, तो मतलब या आरोप का दरकिनार करत या ग्राम पंचायत परमार चौहानन टोला कहो न कहो एक नज़ीर पेश कह रही है। और वह नज़ीर जो है या कहा थी कि यदि अपने हौसला में दमदारी हो तो एक व्यक्ति काफ़ी नहीं है, पूरी ग्राम सभा काफ़ी है, एक गांव की तस्वीर सूरत और सीरत बदले का। तो आगे हम अपना कब दिखाऊँ कि जो ग्राम पंचायत परमार चौहानन टोला के द्वारा एक अटल उपवन बना बगा है, जो बिटियन के गांव में यदि पैदाइश हुई तो वो माँ 3 पौधा लगाए जाते, साथ में 5 पौधा लगाए जाते और जोने में सरपंच के द्वारा जो है अपन वेतनों ऊ बच्चिन का दे दिन जाए।